स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा ई बुक रीडर में। तो चलिए मैं आज मैं बताने वाला हूँ चैप्टर बी चीयरफुल का मतलब होता है आप हमेशा खुश रहो हंसमुख रहो। तो इस चैप्टर को बताते हैं आपको, चलिए शुरू करते हैं। माया वाज ए हैप्पी गर्ल ऑलमोस्ट एवरी डे। माया वाज ए हैप्पी गर्ल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो माया एक लड़की है, वाज ए हैप्पी, वो हमेशा लगभग खुश रहा करती थी रोज, राइट। हैप्पी मीन्स खुश, गर्ल मीन्स लड़की, ऑलमोस्ट मीन करीब करीब, और एवरी डे मीन्स रोज। तो नेक्स्ट चलते हैं। सी हैड ए हैप्पी एटीट्यूड, सी हैड ए प्रेजेंट वे। हमारे साथ आप बने रहिए, और आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो आप इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे और वीडियो बार बार यदि देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही हैप्पीफुल, बहुत ही अच्छा है और सीखने लाइक भी है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सी हैड ए हैप्पी एटीट्यूड, सी हैड ए प्रेजेंट वे। मैंने बता दिया था, वन डे हर लक चेंज, वन डे में एक दिन हर लक चेंज, मैंने उसका किस्मत अचानक चेंज हो गया। विंड रूम एवरीथिंग, मैंने सब कुछ वेंट रूम उसके साथ गलत होने लगा, ठीक है, राइट, समझ में आएगा। सी ट्राई टू कीप हर स्माइल बट सी जस्ट दैट स्ट्रॉन्ग। सी ट्राई टू कीप हर स्माइल, सी ट्राई मतलब कोशिश करती थी अपने आप को खुश रखने के लिए, बट सी जस्ट वाजंट दैट स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत, वह हमेशा कमजोर हो जाती थी, ठीक है। सी जस्ट वॉजन दैट स्टोन, राइट, आगे समझ में। हर बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल वॉज गोन, उसका स्कूल में एक दोस्त थी वो भी छोड़ के चले गई। सी हैड टू मूव अवे, राइट, सी हैड टू मूव अवे। ठीक है ना, तो सी हैड टू मूव अवे, क्या उसे भी छोड़ के जाना पड़ा। एंड टू मेक मैटर वर्स मीन्स क्या होता है, बनाना। मैटर मीन्स क्या होता है, कोई सब्जेक्ट, कोई वर्स, ये अरे वर्स मीन्स होता है आपको बनाने के लिए। वर्स मीन्स क्या होता है, बनाने के लिए, बदतर बनाने के लिए। मैंने वर्स मीन्स कभी कोई चीज़ ख़राब हो गया या उसको बदतर एकदम पूरा बुरा हाल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो माया लॉस हर वॉच दैट डे। माया क्या की, उसी दिन अपना घड़ी खो दी। सी फॉरगेट टू ब्रिंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क पिलाना भूल गई थी। सी फॉरगेट क्या होता है, फॉरगेट मीन फॉरगेटिंग, ठीक है, वो भूल गई। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। हर मीन अपना होमवर्क एंड गुड नोट गिव इट हिम, और गुड नोट मतलब गिव देना इट, मतलब उसे होमवर्क को दे नहीं सकी क्लास में। देन आफ्टर स्कूल सी मिस द बस, जब स्कूल की छुट्टियां हुई तो उसके बाद वो बस भी भूल गई। एंड ट्रिप ओवर ए टीम, और ये इस तरह से टीम जो बना हुआ है ऑफिशियल को उसमें भी गिर गई। आगे राइट, समझ में आ गया। सो मेनी थिंग्स केप्ट गोइंग ऑन, सब कुछ उसके साथ गलत होने लगा। सो मेनी थिंग्स में सब कुछ केप गोइंग ऑन उसके गलत होने लगा। माया ऑलमोस्ट क्राइड, वो करीब करीब अपने आप पे चिल्लाने लगी। दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, वो वहीं तक रुकी भी नहीं। जस्ट मीन डिड नॉट स्टॉप, वहीं तक रुकी नहीं। इवन दो सी ट्राइड, आगे भी वह कोशिश करती गई कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, मैं इसको ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक करूँगा अपने आप को। तो सी वेंट टू हर रूम, वो अपने रूम में गई एंड सैट ए चेयर, कुर्सी पे बैठ गई। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, शुरू किया थिंकिंग, वाइल जबकि अपने बालों पे हाथ फेरते हुए, इस तरह से जो पिक्चर में दिखा रहा है उस तरह से बाल फेरते हुए, तो इसको बोलते हैं रफलिंग, ठीक है, बालों को सहलाना, बालों को झाड़ना, इस तरह से उसको बोलते हैं इंग्लिश में रफलिंग। हर हेयर, थिंग्स दैट वेयर हैपनिंग,
थिंग्स दैट वेयर हैपनिंग वेयर रियली नो दैट दैट वो उनकी जो उनके साथ जो कुछ हो रहा हैपनिंग मीनिंग घटना ठीक है कुछ बातें जैसे हो रहा था उनके साथ में घटना हो रहा था वेयर रियली नो दैट दैट इसका मतलब होता है वेयर रियली नो दैट दैट ठीक है ना तो रियली मैंने क्या होता है वास्तविक नोट मैंने नहीं दैट मीन्स हुआ और बैड उसके साथ जो हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था ठीक है ना तो वेयर रियली नोट दैट बैड अच्छा नहीं हो रहा था दिस सीम्स वर्स वो जो उनके जो बदतर हालत जो दिखाई दे रहे थे बिकॉज सी लेफ्ट हर सेल्फ फील बैड क्योंकि वह हमेशा अपने आप में फील बैड मैंने फील मीन्स क्या होता है फील करना अनुभव करना सैड मीन उदास रहना तो अपने आप में हमेशा वो चिंतित रहती थी उदास रहती थी तो इसलिए इसके साथ में देश सीम टू वर्स उसके साथ में बदतर हालत होता था हमेशा गलत होता था ठीक है ना तो इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं माया अंडरस्टूड माया समझ गई बींग चीयरफुल माया समझ गई कि हमेशा हमको खुश रहना चाहिए हंसमुख रहना चाहिए क्योंकि हमेशा सैड नहीं होना चाहिए ठीक है एंड हैप्पी कैन मेक ए बेटर डे हैप्पी कैन मेक ए बेटर डे और अपने आप को उस दिन से अपने आप को अच्छा रखने लगे हैप्पी मीन्स खुश कैन सकता सकना मेक मीन बनाना यहाँ एक बेटर मीन बहुत अच्छे दिन तो अपने आप को रोज अच्छा बनाने की कोशिश करने लगे सो सी चेंज हर वे ऑफ थिंकिंग एंड हर सैडनेस वेंट अवे धीरे धीरे उसके सोच में बदलाव आने लगा सो मैंने इसलिए सी चेंज मीन बदलना धीरे धीरे बदला हर वे ऑफ थिंकिंग अपनी सोच को बदला वे हर रास्ते हर वे मीनिंग उनका रास्ता उनके वे तो हर सोचने के तरीका को जरिए को बदला राइट थिंकिंग मैंने जो सोच रहा था हर सैडनेस वेंट अवे ठीक है हर सैडनेस वेंट अवे और उनकी जो हमेशा वो चिंता करते थे फील बैड हमें चिंता करते थे वो गायब चला गया तो राइट आपको समझ में आ गया तो मैंने थोड़ा सा स्पीडली मैंने बताया लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे ग्रामर के साथ पूरे टेंस के साथ पूरा मीनिंग वर्ड के साथ फ्लोडी बताएंगे इसलिए मैंने बताया कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा था फिर लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझाएंगे तब तक के लिए हम अभी यहीं पे हैं और आपको इंग्लिश सीखना है समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ये कहानी है बी चीयरफुल क्लास 3 बुक की है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट कभी हम क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे आपको तब तक लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।